आज का जो हमारा टॉपिक है वो राउटिंग और राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, राउटिंग क्या है? राउटर के थ्रू राउटिंग होती है। डाटा कैरी करने का जो बेस्ट पाथ या राउट होता है इसको राउटिंग कहते हैं। बेस्ट पाथ डिसीजन के साथ साथ ये ट्रैफिक को भी देखता है कि किधर ट्रैफिक कम है, कोलिजंस को भी देखता है, डाटा लॉस, और ये भी देखता है कि डाटा कहाँ से सिक्योर रहेगा, मतलब कौन से रूट से हैकर से ये डाटा महफूज रहेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल्स राउटर के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कितनी टाइप्स हैं। पहली है स्टैटिक, इसमें हम खुद मैनुअल एंट्री करते हैं आईपी एड्रेसेस की। स्टैटिक में हम खुद पाथ सेलेक्ट करते हैं, यह सिर्फ स्मॉल नेटवर्क्स के लिए चलता है और ये हमें बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल्स है डायनामिक, डायनामिक में ये खुद ऑटोमेटिक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। ये बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन जो में जो अप टू डेट होती है इसको मेंटेन भी करता है। अब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। पहला इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और दूसरा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर रहते हुए नेटवर्क पाथ इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम के दरमियान रहकर नेटवर्क पाथ इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स आमतौर पर इंटरनेट पर इस्तेमाल होते हैं राउटिंग टेबल्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ये बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है डाटा पैकेट के लिए। इसकी डिस्टेंस की मेजरमेंट नंबर ऑफ राउटर्स पर डिपेंड करती है जो डाटा पैकेट ने पास करनी होती है। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल चलते हैं वो रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, IGRP और EIGRP चलते हैं। अब बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे। इसकी जो वर्किंग होती है वो नोड्स पर होती है। नोड्स से मुराद नेटवर्क के अंदर पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए प्रिपेयर रहती है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि नोड्स नेटवर्क की कनेक्टिविटी का मैप बना लेती है ग्राफ की फॉर्म में कि कौन सी नोड किस के साथ कनेक्ट है। इस तरह हर नोड इंडिपेंडेंटली बेस्ट लॉजिक पाथ की कैलकुलेशन कर लेती है। जो बेस्ट पाथ डिसाइड हो जाता है इसको फिर राउटिंग टेबल्स में एंटर कर लेती है। इनके अंदर जो प्रोटोकॉल चलते हैं वो OSPF और ISIS चलते हैं। अब बात करते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स पर। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो पाथ इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखता है, जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ऐसे प्रोटोकॉल्स आमतौर पर इंटरनेट पर यूज़ होते हैं। इनका जो मेनली प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो BGP है। We'll be right back.